हाँ, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है। पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेगनेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब यू नो आई टू थिंक मैं पेज पे क्यों नहीं जा सकता। बट आई थिंक आदमी जात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सबको झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं, हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम पे वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना। और जोमैटो का वीडियो जोमैटो का वीडियो देखने के बाद तो पता, बट खैर नहीं ऐसा नहीं है, बस नहीं कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए, आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है। तो अभी कहते हैं ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है। सो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट देम। स्पेशल आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करने वाला हूँ, होपफुली उसके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा। सो लेग इंजरी के बाद में डांस बेस्ड वेब सीरीज करना मेरे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि डांसर हूँ तो यू नो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट। थैंक यू सो मच। इनके बारे में वैसे तो सब लोग बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करें, तो ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू, बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज़ में अच्छा ही होता है, तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है। जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को, नारियों को सम्मानित कर रहे हैं, एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है दैट यस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज की आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है। आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती हैं, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स माय मॉम, मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा है, हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है हमेशा ज़िंदगी में। हमको भी उसने शायद यही सिखाया है, तो आज यस शी इज़ माई इंस्पिरेशन। यस, मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज शुरू होने वाली है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब ओटीटी पे दिखेगी। आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देयर, व्हिच इज बेस्ड ऑन क्रिकेट। सो या, इट इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस कार्यक्रम में? बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया। और अभी हम वुमेन्स डे मना रहे थे, पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की, और जिन जिन औरतों ने अचीव किया है उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से खड़े होकर यू नो स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और यू नो मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ, और यू नो मैंने उनके हाथ में ये दिया, और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट यू नो आई कैन सिंग आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ। मुझे तब इतनी चिढ़ाती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। बट आज वो मैं रियलाइज करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा। तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम। जसलीन जी, आज आपका गाना काफी वायरल हुआ है, अनूप जी ने आपने जो इधर देखे जो आपने गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? काफी आपका गाना वो बहुत ही फन लविंग गाना है, और अनूप जी ने भी गाया है, और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं, पहले ही क्लियर कर रही हूँ। इसीलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं।
government in bahut sare NGOs are many government and many other NGOs are working in all their efforts to create awareness among people regarding women empowerment. But women empowerment tabhi ho sakte hai jab hum inequality ko eliminate karte hain. Aaj bhi main aaya with this award lekin aaj hum jab dekhte hain to abhi bhi चीज अब मेल डॉमिनेट है. अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है. रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग है. जब तक ना इक्वेलिटी होगा तब तक यू कैन नॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमन और यू बाय और यू आर रिस्पेक्टिंग वुमन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अभी बहुत सारे of our country will get spoiled and they will think it is natural to be the only. So this
has to be stopped. That's very important. It has to be stopped. And censor board should come on OTT and control the kind of on OTT platform, the kind of content that films they are making, series they are making, that is actually very harmful for our society. It shouldn't be so open. We are Indian. We have our own culture. We shouldn't forget our culture, and we should not try to adopt Western culture. Even Westerns, even Americans, even people outside Asia, they are trying to adopt Indian culture because they know there is lots of inner peace to do. Rather than going out and having multiple actions, going here, then next step with another person, won't make you any happy. So try to be a good human being and try to gather inner peace rather than just focusing on something which is not a person. Thank you so much. सम्मान में आकर के मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। नारियों का सम्मान होना चाहिए समाज में, चाहे किसी भी रूप में सम्मान होता है तो पुरुष का उसमें सम्मान बढ़ता है, और इसलिए मैं साथ में एक नारी को साथ में लेकर आया जो अपकमिंग स्टार है, कीरत जी के साथ ही आया। हमके साथ इनकी फ़ोटो खींचने के चक्कर में लोग मेरा भी खींच लें, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेम्प्लाइज का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री की जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मुझे 70 साल के इतिहास में पहली बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध चुनी गई है, उसके खिलाफ किसी ने नामांकन पत्र नहीं भरा। ऐसा लगता है कि शायद हम अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं तो लोग आगे भी चांस देते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि निर्विरोध का सिलसिला जारी रहे और हम अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। पत्रकारों के लिए भी कुछ जगह बनाया आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल इस बात को कहा है कि पत्रकार हमारे मेंबर हैं, पत्रकार हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों की पहचान है, पत्रकार के बगैर हमारा कोई पहचान नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करूँगा कि हमारे यहाँ फेडरेशन में आएँ, फॉर्म भरें, आप हमारे बोनाफाइड मेंबर हैं। जो सुविधा हम अपने मेंबरों को, टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को देते हैं, सेम अधिकार से आपको भी फ्लैट मिल सकता है। मिनिमम पैसे में आपको खूबसूरत घर, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी अपना कम्प्लेक्स बना रहे हैं, टाउनशिप बन रहा है यहाँ पर, कि मार्केट होंगे, मॉल होंगे, स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा। 50,000 घर का प्लान है जिसमें सरकार ने मुझे अभी 10,000 80 घर पास करके दिया है। तो जिसके पास घर ना हो उसकी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मुंबई में घर नहीं होना चाहिए, गांव में है तो गांव से तो सारे आए हुए हैं, उसे घर होगा, मगर मुंबई में आपके पास घर पक्का घर नहीं होना चाहिए, झोपड़े हैं तो भी चलेगा। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख रुपये की वो छूट मिलती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अमृत योजना के तहत भी आपको छूट देती है, नागपुर वेलफेयर जो है 1-1.5 लाख रुपए की सुविधा देता है। इस तरह से काफ़ी पैसे आपको बच जाते हैं, तो 7.5-8 लाख में आपको एक खूबसूरत घर आपका आशियाना बनेगा, 1 BHK का, 23 महले की बिल्डिंग होगी, सिवाय उसमें अच्छाइयों के और कुछ नहीं है। टोटल चाबी मिलने तक आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये जाने हैं, बाकी बैंक जो है मिनिमम इंस्टॉलमेंट करके 5,000-6,000 करके आपको पेमेंट लेती रहेगी। वो सब काम कराने का काम जो है फेडरेशन करेगी, बिल्डर करेगा। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है आप सबके लिए, सबका स्वागत है, आए फॉर्म भरें। और उसमें फॉर्म भरने की कोई कीमत नहीं है, जब वेरिफिकेशन होगा तो 1100 रुपया लगेगा, वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, तो प्रधानमंत्री के लोग जो हैं यहाँ नियुक्त किए जाएंगे, वो आपको एक बार देखना चाहेंगे कि आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो नहीं है, यदि उसमें आप सही निकले तो 10,000 रुपया आपसे लिया जाएगा और आपको फिर आगे चाबी मिलने तक आपसे कोई संवाद नहीं होगा। आप आएँ देखें। 30 तारीख को हमारा मॉडल रूम, जिसको हमने 11 मार्च को ओपनिंग किया था, वो 30 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा, 1 BHK, जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि घर कितना बड़ा है,
रहने लायक है, लेने लायक है, नहीं है, उसके उद्घाटन के लिए सलमान खान से हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इनवाइट करेंगे। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है क्योंकि पहली बार सीने वर्कर्स के लिए घर मिल रहा है और हम उसके वन ऑफ द पार्ट हैं, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। हम भी एक बड़ी इमारत के एक छोटी सी ईंट है, हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें और उसमें आए। सर, हमारे कैमरे में कौन सी जगह है ये? करजत से पहले है, सेलू स्टेशन है, यहाँ से कार से जाएंगे तो 2 घंटा, घाटकोपर से 1 घंटे के अंदर आप ट्रेन से पहुँच जाएंगे। करजत स्टेशन के ठीक सामने आप उधर करके हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरफ टाटा की है, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है और बीच में हमारी जगह है, रोड से लगी। ये एक ये फ्री की तरह होगा मगर फ्री नहीं होगा, 1 BHK आपको 7 से 8 लाख के बीच में मिलेगा। देना आपको सिर्फ 50,000 ही है, बाकी इंस्टॉलमेंट आपका बन जाएगा वो आपको 7 से 8। जी मैम, ओके कीरत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जितने भी हम यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, कल्पना चावला जी, इंदिरा गांधी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, आप सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक नारी के लिए, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर तिवारी सर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि मैं आने वाले टाइम में एक सुपरस्टार बनूं, इंडस्ट्री में एक अच्छा काम करूं, अपनी एक पहचान बनाऊं। और मिस्टर आर्यन जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, एग्नेस मैम का। सो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दिन है सिर्फ एक सिटी में नहीं मनाना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ पे सभी नारी को आगे आने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम कुछ करके दिखाएँ अपने। सो बस मैं आप सभी का यही धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच।